उत्पादनरे आत्मनिर्भर हेबो भारत साकार हेबाकु जाउछि प्रधानमन्त्रीको स्वप्न पूर्वोदयर माइलखुंट हेबो टीएफएल 2024 अक्टोबर पूर्वरु सरिबो तालचेर सार कारखाना निर्माण कार्य 17,000 कोटि विनियोगरे निर्माणधीन देशर प्रथम कोल ग्यासिफिकेशन टेक्नोलोजीरु उपकृत हेबे चासी जहाँफलरे स्थानीय अर्थनीति और व्यावसायिक वातावरण तयारीरे बड़ योगदान करिबो सार कारखाना अनुगुल जिला गस्त कर तालचेर सार कारखाना परिदर्शन करने प्लांट अग्रगति कार्यनी समीक्षा करते केन्द्र सार और रसायन मंत्री मनसुख मांडवीय और केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान देशर प्रथम कोल ग्यासिफिकेशन टेक्नोलोजी आधारित तालचेर सार कारखाना यूरिया उत्पादन क्षेत्र में देश को स्वावलंबी कर चाषी को सुविधा देव देश में अपार कोईला गच्छित अच्छी तेणु यह कोईलू सीन ग्यास परिवर्तित करि ताको तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड रे व्यवहार करा जिवो ए प्रकल्प कार्य खूब शीघ्र शेष हो बोली कहिसंती दुई केन्द्र मंत्री नए यूरिया प्लांट लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया था उसमें से चार प्लांट लग के मैन्युफैक्चरिंग में आ गए हैं और हमारे तालचेर का प्लांट वो एक नई टेक्नोलॉजी का प्लांट था कोल गैसिफिकेशन बेस्ड प्लांट होने के नाते उसका निर्माण कार्य 24 दिसंबर 2024 के पहले पूर्ण होना है और इस दृष्टि से काम गति से चल रहा है। तो कोयला को अन्य को उपाय रे किमती विनियोग करा जीवो से पाई कोल टू सीन गैस ये प्रकल्प आज विश्व ये टेक्नोलॉजी प्रतिपादित हो सारी ये टेक्नोलॉजी को भारत में भी उपयोग करके कोल इंडिया गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ये तीनोटी जाक कंपनी मिलित तो उद्योग ये प्रकल्प आरंभ हो प्रकल्प खूब शीघ्र सरु ये समस्त अपेक्षा स्थानीय अर्थनीति स्थानीय रोजगार स्थानीय व्यावसायिक वातावरण प्रकल्प बहुत बड़ा योगदान रहा टीएफएल पुनरुद्धार कार्य में गिल लिमिटेड राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड सहभागिता रही है जो प्लांट 1.27 मिलियन मेट्रिक टन निम कोटेड यूरिया उत्पादन हो टीएफएल कार्यक्षम हेले ओडिशा रे यूरिया रा चाहिदा पूर्ण हेबा सहित भारत सरकार का नियम अनुसार बड़का अन्य राज्य को रप्तानी करा जिवो इस टेक्नोलॉजी पर ये पहला प्रोजेक्ट है जो कोयला से गैस बनेगा सीन गैस और उससे यूरिया बनेगा अगर ये प्रोजेक्ट सफल होगा और सफल होगा तो इसके आधार पर बहुत सारे प्लांट भारत वर्ष में आएंगे फर्टिलाइजर प्लांट हेले एथिरु आत्मनिर्भर जेमती कहले आत्मनिर्भर भारत सेमती ओडिशा पई भी ये सेल्फ सफिशिएंट हब ये यूरिया आ ओडिशा संगरे भी ये जेमती 12.7 लाख टन मेट्रिक टन बनेबो सिंग पई भी काम दबो आ हम भारत पई भी काम 2018 मसीह तालचेर फर्टिलाइजर पुनरुद्धार सह यह देश में प्रथम कोल गैसिफिकेशन आधारित सार कारखाना बोली घोषणा करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व यूपीए सरकार समय टीएफएल पुनरुद्धार में प्रयास होते फलप्रद हो पार नथिला और यहां के लोगों ने भी आशा छोड़ दी थी कि क्या इस प्रोजेक्ट को इस क्षेत्र को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है क्या लेकिन हमने संकल्प किया है कि करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत से आज इस प्रोजेक्ट का पुनरुद्धार का कार्य यहां प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वप्न देखिता पांचटी यूरिया प्लांट रो चारिटी उत्पादन क्षम हो गलाणी तालचेर प्लांट रो निर्माण कार्य खूब शीघ्र शेष हो कोईलू गैस गैस रु यूरिया एवं यूरिया कृषकों आवश्यकता को पूरण होशी मसीह तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड रु सार उत्पादन होता क्षति में चली आसुवा तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड पर मुहूर्त संपूर्ण बंद हो जाता तालचेर कैमेरा पर्सन प्रशांत बेहरा और सुनील सेठी तपन दास और प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।